इंजीनियर, व्हाट इज एस्टीमेट? एस्टीमेट क्या है? एस्टीमेशन इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ मनी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड ऑन अ प्रोजेक्ट। आप लोग ध्यान देंगे, एस्टीमेशन इज द प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है इन विच वी हैव टू कैलकुलेट, हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड ऑन अ प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को आप जब लेते हैं, उस प्रोजेक्ट में आप सबसे पहले तीन चीजें देखते हैं। वो तीन चीजें आपकी कौन कौन से है? पहला है आपका अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी। दूसरा है आपका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। एंड तीसरी चीज है आपकी टाइम। क्या है? टाइम। भाई आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने समय में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। यदि आप एक कॉन्ट्रैक्टर है तो आपको पता होना चाहिए, आपने मटेरियल बता दिया और पैसा बता दिया और टाइम आपका लग रहा है 2 साल लग रहे हैं, पैसा थोड़ी होगा। 2 साल में तो सीमेंट के रेट कितने वेरी कर जाएंगे। आज जो सीमेंट का रेट चल रहा है, क्या 2 साल बाद वो रहेगा? बिल्कुल रहेगा। 1 महीने की जो गारंटी नहीं है तो 2 साल की गारंटी कौन लेता है? इसलिए आप एस्टीमेट में तीनों चीजें कवर करते हैं कि वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड द टाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आपका लगने वाला है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। ठीक है, एस्टीमेशन इज द प्रोसेस इन विच वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड द टाइम विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए क्या लगने वाला है। अब इसके बाद हम आपको एक और चीज बताते हैं, विद द हेल्प ऑफ एस्टीमेट, एस्टीमेट की हेल्प से वी हैव टू कैलकुलेट, हमको क्या कैलकुलेट करना होता है, पर्टिकुलर आइटम, क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एन वर्क, किसी भी काम का पर्टिकुलर आइटम। मैंने आपको बताया था, मान लो आप घर में क्या करने वाले हैं, किसी को फूड पे इनविटेशन देने वाले हैं, ठीक है, खाने की आप दावत देने वाले हैं कि भाई आज आपको रात में खाना खाना है। अब खाना तो खाना है तो हमको उसमें कितने पैसे लगेंगे, ये हमने एस्टीमेट बनाया, लेकिन वो हम कब बनाएंगे? अमाउंट ऑफ मनी कब आएगा? जब आपको उसके पर्टिकुलर आइटम पता होंगे। भाई बनना क्या है घर में? साधारण दाल चावल रोटी सब्जी बननी है, कि आपको पनीर पूरी खिलानी है, कि उसमें आपको खीर और रायता भी ऐड कर देना है, पनीर भी किस क्वालिटी का होना चाहिए, रद्दी वाला पनीर है कोई अच्छा वाला, सॉफ्ट पनीर, पालक पनीर एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम, तो कौन से आइटम है पता होना चाहिए। तो आपको पर्टिकुलर आइटम पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एस्टीमेट। यहाँ पे आइटम हम किसकी बात करेंगे? सबसे बात हम पहले हम बात करते हैं इसकी बात करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक्सकावेट करते हैं, खुदाई करते हैं। तो आइटम कौन कौन से होते हैं? अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन। सबसे पहले हमने क्या किया? मान लो एक्सकावेट किया, अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन, हमने सबसे पहले क्या की? खुदाई की। ठीक है, अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन। इसके बाद क्या करेंगे? एक्सकावेट करने के बाद फिर क्या करते हैं हम? कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। हम क्या करते हैं? फाउंडेशन में कॉन्क्रीटिंग करते हैं, फाउंडेशन बनाएंगे। तो कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। फिर होता है हमारा अर्थ वर्क हो गया, कॉन्क्रीट भी कर ली फाउंडेशन में। इसके बाद क्या करेंगे? फाउंडेशन के बाद ब्रिक वर्क करेंगे। तो ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क करते हैं हम, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर में जो आपने ब्रिक वर्क किया फाउंडेशन में या प्लिंथ के नीचे जो ब्रिक वर्क किया, वो ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। फिर आपका हो गया ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ आइटम्स। इसके बाद प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, फिर क्या स्लैब कास्टिंग, बहुत सारे आइटम्स होने वाले हैं। तो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि आपको विद द हेल्प ऑफ एस्टीमेट वी हैव टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर आइटम ऑफ एन वर्क. हर आइटम की पर्टिकुलर क्वांटिटी निकालना है कि एक्स अर्थ वर्क एंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन होना खुदाई होना तो कितने मीटर क्यूब में होना है भाई, कितने मीटर क्यूब की आप खुदाई करोगे. जब भी अपन क्या करते हैं, एक्सकवेट कराने के लिए करते हैं, किसी भी हम लेबर को लगाते हैं या मशीन को करते हैं, तो पर मीटर क्यूब के हिसाब से, स्टैंडर्ड पर मीटर क्यूब के हिसाब से हम क्या निकालते हैं कि कितनी आपकी एक्सकवेशन होने वाला है. भाई कॉन्क्रीट एंड फाउंडेशन, फाउंडेशन में कॉन्क्रीट होगा तो कितना कॉन्क्रीट यूज होगा, कितने मीटर क्यूब में काम होगा, तो ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, निकालते हैं. ठीक है, ये सारी चीजें अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं. किस में निकालते हैं, एस्टीमेट में. तो एस्टीमेट की हेल्प से ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, निकाल लेते हैं. इसको आप नोट कर सकते हैं. अभी हम इसको डिटेल में हमको पढ़ना है, तो पहले हमें आपको ये बताना होगा कि कौन सा आइटम है, तो उस आइटम की क्या होती है, यूनिट क्या होती है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे. जैसे प्लास्टरिंग है, मान लो आप वॉल बनाते, दीवार बना रहे हो, दीवार किसमें बनती है, मीटर स्क्वायर में, मीटर में, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में बनती है, मीटर क्यूब में. लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस. अब प्लास्टरिंग वो मीटर स्क्वायर, उसकी थिकनेस ऑलरेडी हम लेके चलते हैं कि 12 mm थिकनेस है, कितनी है उसकी थिकनेस नहीं लेते, तो वो मीटर स्क्वायर में बनता है. तो ये सारी चीजें हमको इसमें देखनी है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी सिविल इंजीनियर, एंड एवरी सिविल इंजीनियर हैव टू कंप्लीट दिस टॉपिक. हर सिविल इंजीनियर को ये टॉपिक कंप्लीट करना चाहिए. यदि आपको ये पता नहीं है तो आप कहीं भी जॉब कर रहे हो आप अधूरे हो आप. और हम आपको सीपीडीआई इंस्टीट्यूट में हम आपको ऐसी ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि आपके पास कोई भी चीज बचे ना कि सर हमने ये नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ रह ना जाए कि सर सिविल में हमने ये चीज छोड़ दी, ये और हमें बता दें, ऐसा कुछ ना रह जाए. सारी चीजें हम आपकी कवर कराना चाहते हैं. एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट, एवरी मटेरियल, एवरी डिजाइन वी हैव टू कंप्लीट, हमको कंप्लीट करनी है. ये हो गया.